हेलो दोस्तों दोस्तों आपका जॉब अपडेट्स एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंफोसिस रिजल्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मेरे जो एक दोस्त है शरद जी नाम है उनका, तो दोस्तों उन्होंने 22 अगस्त 2021 को इंफोसिस के असेसमेंट टेस्ट कम्प्लीट की थी। उसके बाद दोस्तों इनको 28 अगस्त 2021 को इंफोसिस की तरफ से शॉर्ट लिस्टेड का मेल आ चुका था। देन दोस्तों इन्होंने इंफोसिस का इंटरव्यू भी कम्प्लीट किया एंड देन 5 अक्टूबर 2021 को इंफोसिस की तरफ से इनको ऑफ़र लेटर आ चुका है। दोस्तों अगर आपको भी इंफोसिस की तरफ से ऑफ़र लेटर या फिर सिलेक्शन का मेल आ चुका है तो दोस्तों आपको हमारी जॉब अपडेट्स एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन चैनल की तरफ से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मेरी एक गलती हो गई कि ये जो शरद जी है उनको इंफोसिस की तरफ से ऑफ़र लेटर नहीं सिलेक्शन का मेल आ चुका है, बट वो वेट कर रहे हैं ऑफ़र लेटर के लिए एंड ज्वाइनिंग डेट के लिए। तो दोस्तों मेरे जो ये दोस्त, चलिए इनके कमेंट पढ़ते हैं एंड देन उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे जो ये दोस्त हैं शरद जी, वो कहते हैं भाई मुझे भी सिलेक्शन का मेल आया था लेकिन ऑफ़र लेटर और ज्वाइनिंग डेट नहीं आई है, हाउ टू कॉन्टेक्ट देम। तो शरद जी आप अकेले ही नहीं हो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन लोगों ने इंफोसिस के असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट की थी 22 अगस्त को, फिर उनको शॉर्ट लिस्टेड का मेल आया 28 अगस्त को एंड देन उन्होंने इंटरव्यू कंप्लीट किए 9 सितंबर, 11 सितंबर, 17 सितंबर, 16 सितंबर, 30 सितंबर को। एंड उसके बाद दोस्तों उनको इंफोसिस की तरफ से सिलेक्शन का मेल आया था एक ही दिन, मींस 5 अक्टूबर 2021 को, बट वहाँ पे उनको सिर्फ सिलेक्शन का मेल आया है, मींस वहाँ पे उनको ज्वाइनिंग डेट एंड ऑफ़र लेटर नहीं आया है। तो दोस्तों आपको इंफोसिस को कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ खाली वेट करना पड़ेगा और कुछ ही दिनों में इंफोसिस आपको ऑफ़र लेटर का मेल भी भेज देगी। इसीलिए आपको बहुत ही पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जब मेरे कुछ दोस्तों के एग्ज़ाम जून में हुई थी तो उनको जुलाई में ऑफ सिलेक्शन का मेल आया था एंड देन उनको ऑफ़र लेटर आया अगस्त में, और किसी को तो दोस्तों अभी आया है, मींस अक्टूबर में ऑफ़र लेटर आया है और उनकी एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी 13 जून को। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो गए रिगार्डिंग टू असेंचर, विप्रो और एनी MNC कंपनी तो प्लीज़ कमेंट हियर, आई विल गिव यू अ सोल्यूशन फॉर दैट। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। सब्सक्राइब कर लो यार मेरे दोस्तों।